हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो ऑल अबाउट बिटबीएनएस एक्सचेंज का लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सो एवरी डे बिटबीएनएस एक्सचेंज में एक अनाउंसमेंट आ रहा है। सो 100 डेज 100 अनाउंसमेंट्स। सो उसमें हम इस पर्टिकुलर वीक में मेजर अपडेट जो है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करूंगा। सो इन डेप्थ डिस्कशन, जो अनाउंसमेंट्स में नहीं है वो भी डिस्कस करूंगा। सो इसमें फुल क्लैरिटी मिलेगा इस अनाउंसमेंट में, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, मैंने लास्ट वीक में जो भी अनाउंसमेंट आया उसमें अराउंड 4 to 5 अनाउंसमेंट्स पिक करके उसका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करूंगा अभी। सो फर्स्ट है हमारा नॉर्मल बिटबीएनएस पूल सेल। सो बिटकॉइन एट 50% डिस्काउंट सेल है गाइस। सो लास्ट टाइम ऑलरेडी एक 1 BTC एट 50% डिस्काउंट सेल में आया था, अभी 5 बिटकॉइंस इन 50% डिस्काउंट में आ रहा है। सो इस पर्टिकुलर पूल सेल में पार्टिसिपेट करना बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है। सो ऊपर आया आइकन में रहेगा, जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। सो अभी 3 आवर्स में स्टार्ट होगा। आपके पास जो भी BNS टोकन्स वैलेट में अवेलेबल है आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि नॉर्मली वैलेट में किया तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा आपको एडिशनल प्रॉफिट्स मिल जाएगा। सो जाके वो वीडियो चेक कीजिए फॉर फुल डिटेल। सो फर्स्ट अनाउंसमेंट है अबाउट दिस 50% बिटकॉइन सेल। सो अभी हम बात करेंगे सेकेंड अनाउंसमेंट के बारे में। सो सेकेंड अनाउंसमेंट है कन्वर्ट स्मॉल बैलेंसेस टू BNS। सो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है गाइस। सो इंडियन एक्सचेंजेस में अवेलेबल नहीं है, सो फर्स्ट BNS एक्सचेंज में आ रहा है ये फीचर। सो इस पर्टिकुलर फीचर में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वैलेट में जो भी स्मॉल अमाउंट क्रिप्टो अवेलेबल है तो लेस देन 50 रुपीज, सो उसको आप सेल ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। सो ऐसा आपके पास बहुत सारा छोटे छोटे फंड्स बच गए तो ज़्यादा फुल अमाउंट हो सकता है, बड़ा अमाउंट। सो इसलिए इसमें आप स्मॉल अमाउंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टू BNS। सो आपका मिनिमम क्राइटेरिया इधर देख सकते हैं, अराउंड 50 रुपीज़ के अंदर रहना है कॉइन का वैल्यू। सो उस पर्टिकुलर सारा कॉइन जो भी आपका वैलेट में अवेलेबल है उसको आप इजीली BNS टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपको डेमो दिखा दूंगा आपको कैसे कन्वर्ट करना, किस पेज में जाके आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर आपका BNS में लॉगिन होने के बाद वैलेट सेक्शन में जाने के बाद आप इधर इस पर्टिकुलर विंडो में आप देख सकते हैं इधर एक कन्वर्ट ऑप्शन दिख रहा है। सो इस कन्वर्ट बटन को आप क्लिक करके आप टोकन्स जो है उसको BNS टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जस्ट आपको इसमें क्लिक करना होगा। सो वंस आप इस पर्टिकुलर विंडो के ऊपर क्लिक करने के बाद नया विंडो आ जाएगा कन्वर्ट स्मॉल बैलेंसेस टू BNS करके। सो इस विंडो में देख सकते हैं मेरे पास एक स्टेलर कॉइन है, सो उसका वैल्यू अराउंड 7 रुपीज़। सो मैं इसको सेल ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, सो मैं इसको BNS टोकन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कन्वर्ट ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फर्दर डिटेल्स मिलेगा कन्वर्शन प्राइस एंड ऑल। उसके बाद आप एस गो अहेड के ऊपर क्लिक करना होगा। सो वन से क्लिक करने के बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स, अराउंड 30 सेकेंड्स के बाद आपको एक पॉपअप मिल जाएगा। सो इस टाइप का पॉपअप आएगा, अराउंड 1.23 BNS टोकन जो है मेरा वैलेट में डिपॉजिट हो गया। सो ऐसे स्मॉल स्मॉल टोकन जो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो करेंटली ये सिमिलर फीचर बाइनेंस में भी अवेलेबल है। सो इंडियन एक्सचेंजेस में BitBNS में भी ये फीचर अवेलेबल है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड फीचर। सो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अनाउंसमेंट, थर्ड अनाउंसमेंट, तो वो है हार्डवेयर कोल्ड वैलेट फ्रॉम BNS। सो ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है गाइस। सो इंडिया में अब हम हार्डवेयर वैलेट भी कर सकते हैं इन इंडियन एक्सचेंज। सो ये बहुत बिग न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक जो भी हार्डवेयर वैलेट्स है हम जो भी बुक कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल एक्सचेंज से बुक कर रहे हैं, हम इसको इम्पोर्ट करना होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। सो अभी इंडिया में ही हमको BNS एक्सचेंज में ही हम हार्डवेयर वैलेट्स बुक कर सकते हैं। सो ये वन ऑफ द गुड एडवांटेज। सो इस पर्टिकुलर वैलेट के बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करूंगा। सो इस पर्टिकुलर वैलेट आप देख सकते हैं कंप्लीटली ब्रांडेड BitBNS ब्रांडेड वैलेट विथ कूल बिटेक्स। सो कूल बिटेक्स है सर्विस प्रोवाइडर। सो उसका कूल वैलेट एस करके ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इधर देख सकते कूल बिटेक्स, सो इसका कूल वैलेट एस करके ऑलरेडी अवेलेबल है। सो सेम वैलेट BitBNS में हमको को ब्रांडेड वैलेट हार्डवेयर वैलेट मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर वैलेट में हमको एडिशनल फीचर्स है गाइस। सो नॉर्मली दिखने में नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसा है, बट इसमें एक डिस्प्ले भी अवेलेबल है इधर एंड एक बटन भी अवेलेबल है। सो ये पर्टिकुलर हार्डवेयर वैलेट एक और एडवांटेज है। नॉर्मली हमको हार्डवेयर वैलेट एज ए USB स्टिक ऐसा कुछ मिल जाता है, सो उसको हम कैरी करने में प्रॉब्लम होगा, पॉकेट में रखना होगा। इस पर्टिकुलर हार्डवेयर वैलेट हम इवन वैलेट में भी रख सकते हैं। सो हार्डवेयर वैलेट इन अवर वैलेट्स। सो हमारे जो भी वैलेट है उसमें क्रेडिट कार्ड जैसे इसको रख सकते हैं। सो सेम थिकनेस भी उतना ही रहेगा एंड इसमें डिस्प्ले भी है, बटन भी है। सो उसके थ्रू हम इसमें बैलेंसेस भी देख सकते हैं कि इसका कितना क्रिप्टो हमारे बैलेंस में है, बटन प्रेस करके इस डिस्प्ले में देख सकते हैं। सो
ये दिखने में कार्ड जैसे है, बहुत सारा फीचर्स है इसमें ऑलरेडी। सो सेम कोल्ड वैलेट एस का फीचर जो भी है, सारा फीचर्स हमको इसमें अवेलेबल है। कोल्ड वैलेट एस हमको बाइनेंस डी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी लिंक करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो इसको भी हम सेम वे में यूज कर सकते हैं। देन इसका वैलेट का प्राइस है, कोल्ड वैलेट एस का वैलेट प्राइस है $100 के आसपास। सो $100 के आसपास एंड विदाउट एनी शिपिंग कॉस्ट टू इंडिया। सो $100 के आसपास है। सो एक कूपन अवेलेबल है अभी। सो कूपन अप्लाई किया तो आपको $74 में ही आ रहा है। सो मतलब इसका प्राइस हो गया 75 × 76 अराउंड 5700 इंक्लूडिंग शिपिंग है। बट इस पर्टिकुलर जो भी हम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से बुक करके इंडिया को इंपोर्ट कर रहा था, हमको इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी पड़ेगा। सो कस्टम ड्यूटी अराउंड 18-30% तक रह सकते हैं। सो कस्टम ड्यूटी भी पे करना होगा एडिशनली। सो इसीलिए मे बी इंडिया में ये शिप होने के बाद बिटबेनेंस एक्सचेंज थोड़ा हाई प्राइस में भेजना होगा, क्योंकि टैक्सेस वो सब रहेगा इंडिया में। सो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इसका एक्सपेक्टेड डेट है, अभी अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू टू करंट पैंडेमिक सिचुएशन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स जो है वो शिपिंग करने में टाइम लग रहा है। सो अभी नॉर्मल हो रहा है। सो जल्दी इस पर्टिकुलर वैलेट्स इंडिया को शिप हो जाए करके मेंशन किया। एंड प्री ऑर्डर जो है September 3rd से बुक कर सकते हैं। सो आप September 3rd से बुकिंग जो है आप इस पर्टिकुलर हार्डवेयर वैलेट को परचेज कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर वैलेट्स को शिपिंग भी हो जाएगा। एंड इसमें ओनली लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल रहेगा इनिशियली। सो वंस उसका रेस्पॉन्स देके फिर से बिटबेनेंस फिर से स्टॉक को ऑर्डर करेगा। सो ये है गाइस नेक्स्ट अपडेट। सो अभी हम जाएंगे फोर्थ अपडेट। सो नॉमिनेशन फैसिलिटी। सो इंडियन एक्सचेंजेस में किसी भी एक्सचेंज में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो अभी बिटबेनेंस एक्सचेंज में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आ गया। एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी मेजर एक्सचेंजेस में नॉमिनेशन फीचर अवेलेबल नहीं है। सो नॉमिनेशन फीचर का मतलब आपको पता होगा, नॉर्मली बैंक अकाउंट में आपको नॉमिनेशन ऐड करने के बाद आपको कुछ हो गए तो आपका जो भी फंड्स है उसको नॉमिनी को क्रेडिट हो जाएगा। सो सेम वे अभी बिटबेनेंस एक्सचेंज में भी जो भी है आपका बैलेंस जो भी है, आपको कुछ हो गए तो जो भी नॉमिनी लिंक्ड है अकाउंट में उसको सारा क्रिप्टो करेंसी जो है क्रेडिट हो जाएगा। सो देन इसमें आपको थोड़ा स्टेकिंग करना होगा, 200 BNS टोकन्स आपको स्टेक करना होगा, तब आपको नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं। एंड नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको अकाउंट KYC कंप्लीट होना चाहिए। एंड इस फैसिलिटी 22nd August मतलब आज से स्टार्ट होने वाला है। सो आप आज से आप नॉमिनेशन KYC सेक्शन में, माई प्रोफाइल सेक्शन में जाके आप उधर नॉमिनेशन को ऐड कर सकते हैं। सो ये है अनदर अपडेट। सो एंड फाइनल अपडेट है PayID के साथ इस BitBNS का कोलैबोरेशन हुआ है। सो इसके बारे में डिस्कस करूँगा। सो PayID सिंपल थिंग है। सो PayID एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। सो इसमें हम एनी करेंसी, फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी हम इंटरनेशनली किसी को भी सेंड कर सकते हैं जो भी इस PayID का प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। सो इसमें क्या होगा, PayID जो भी अकाउंट्स या कार्ड्स या क्रिप्टो आप लिंक कर रहे हैं PayID के वैलेट में, आपको एक अलायंस टैग मिलेगा। सो जस्ट लाइक आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, सो उस ID से आपको फंड्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन फिएट करेंसीज लाइक USD INR एंड क्रिप्टो करेंसीज भी किसी दूसरा कंट्री किसी को भी सेंड कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर PayID में BitBNS भी ज्वाइन हुआ है। सो इसमें करेंटली 40 मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, अराउंड 40 बिग प्लेयर। सो आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा बिटपे है, ब्रेव है, सो crypto.com है। सो इसके साथ साथ आप देख सकते BitBNS एक्सचेंज भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में और ज्वाइन हो गया है। सो एक इसका अनाउंसमेंट का अपडेट है गाइस। सो आज की अपडेट्स है ये मेरा टॉप अपडेट्स एंड माय फेवरेट। सो आपका फेवरेट अपडेट कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। सो एंड इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ नया नॉलेज सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।